बलिया से आप देख रहे हैं, बलिया महोत्सव का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन जिला प्रशासन द्वारा चल रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के कर कमलों द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक आयोजित किया गया है। खबर है बलिया से, उत्तर प्रदेश बलिया। इलाज भी मोदी जी और करवाएंगे जी करवाने का। मेरी नजर जब गई है तो मैं ठहर गया। खुश रहिए मेरे भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, बहुत सारे गाने हम गाए, लेकिन एक गाना बड़ा आनंद आता है मुझे गाने में। छोटे छोटे बच्चे भी उसको सुनते हैं। ये मेरे शंकर वर्मा जी, मनोज तिवारी जी बाई तरफ है ना, ये मेरे 34। आपने शुरू में भी देखा होगा कि मैं आके इनको प्रणाम किया, क्योंकि ये समय के साथ, और हमने भी सोचा है जिंदगी के आखिरी सांस तक हम साथ रहे। बलिया में आकर के बलिया महोत्सव में कैसा लगा आपको? हमारा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। हम बलिया महोत्सव के आयोजन के स्टैंडर्ड दिन पर दिन बहुत बढ़ रहल बा, और बहुत संख्या और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छा रहा। और जगह के भोजपुरी भाषा में ऐजा के भोजपुरी भाषा कैसा लगेगा? देखिए, बलिया के भाषा तो भोजपुरी के नेव है। नेव में जे भोजपुरी, जौन भोजपुरी आपके सुने के मिली, वो फुनगी पर अगर पहुंच जाए तो फिर समझ लें कि सार्थक। लेकिन एजार वाला सब गाना गईनी है, लेकिन इंटरनेशनल लिट्टी चकोला गाना गई। लेकिन मन से ना गईनी है। जैसे पंचका ले रहे बोलिए माई रहनी, मन से गले रहनी, वैसे मन से ना गईनी है। अगला बार जो रख लिट्टी जरूर चाहिए। नीरज जी ऑलरेडी यहाँ पर हैं। आदरणीय मंत्री जी का पिछले साल की तरह इस बार भी बलिया महोत्सव कराया, और अपने नेता और हम लोग के सांसद, हमारे सांसद में सहयोगी आदरणीय मनोज तिवारी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज बलिया आए और यहां पर इतना अच्छा कार्यक्रम दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और यहां जितने लोग उपस्थित हैं उनको बलिया स्थापना दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आज इस महोत्सव का अंतिम दिन है, लेकिन अगले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि इससे भी भव्य कार्यक्रम होगा, मुझे पूरी आशा है कि इससे बड़ा कार्यक्रम, और पूरे देश से कलाकार आकर यहाँ अपना कार्यक्रम कराएंगे, माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं फिर से जितने अतिथि यहाँ पे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।